खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में हुए आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। राज्य में फिंगेश्वर के जनपद पंचायत परिसर में एक शोक सभा आयोजित करके दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में जनपद पंचायत के सीईओ समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। राजनांदगांव के नगर निगम में झीरम शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। बता दें कि 6 वर्ष पूर्व झीरम घाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार सहित 32 कांग्रेस के नेता शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में प्रदेश सरकार ने इस वर्ष से झीरम शहादत दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज हम यहाँ हमारे जो शहीद हुए थे कांग्रेस के झीरम घाटी में, उन शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज नगर निगम के हॉल में पहुंचे हैं। ये कांग्रेस के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। आज 25 मई झीरम घाटी के शहीदों को हमने शहादत दिवस के रूप में मनाया। हमारे मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्रों में आज शहादत दिवस मनाना था। आज नगर निगम ने हमने शहादत दिवस मनाया। हमारे शहीद नौजवान जो साथ में ड्यूटी में लगे हुए थे, समस्त शहीदों को हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित है और उसी के लिए आज हमने आज के दिन में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था। झीरम घाटी में नक्सली हमले में मारे गए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेताओं को याद करते हुए कहा कि अभी तक नेताओं को न्याय नहीं मिला है, इस बात का हमें मलाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज से ठीक 7 साल पहले एक भयानक दुर्घटना घटित हुई। झीरम हमले हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए। आज का दिन हम भूल नहीं सकते। कार्यक्रम में झीरम घाटी में हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं के साथ वीर जवानों को भी याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर रखने की घोषणा की। जिसमें झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे, जिनकी मौतें हुई थी, उनके साथ साथ नक्सल घटनाओं में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे नागरिक मारे गए हैं, उन्हें आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। इस प्रकार का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया है। झीरम घाटी हमले में शहीद हुए स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के गांव फरसपाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और लखेश्वर बघेल जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के साथ दंतेवाड़ा के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दिन को छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। झीरम घाटी कांड की 7वीं बरसी पर शहीद नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा, जहां सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने अपनी मां नीलावती पटेल और भाभी भावना पटेल और दिनेश पटेल की पुत्री नंदिनी पटेल के साथ रायगढ़ नंदेली शक्ति मार्ग पर स्थित शांति की बगिया समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पिता और भाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पिथौरा में पश्चिम बंगाल